प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 6 के अध्याय 7 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न नंबर 6 से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, आर्या, अभिमन्यु और विवेक एक साथ बांटकर खाना खाते हैं। आर्या को 2 सैंडविच लेकर आता है, एक सब्जी वाला, दूसरा जैम वाला। अन्य दो लड़के अपना खाना लाना भूल गए। आर्या अपने सैंडविचों को उन दोनों के साथ बांटकर खाने को तैयार हो जाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सैंडविच में से बराबर भाग मिले। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्या अपनी सैंडविचों को किस प्रकार बांटे कि प्रत्येक को बराबर भाग मिले। अगला है, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो आइए इसको समझते हैं। 3 लड़के हैं, आर्या, अभिमन्यु और विवेक। एक सैंडविच है सब्जी वाला, दूसरा है जैम वाला। इन सैंडविचों को तीनों के बीच में बराबर बराबर बांटना है। 2 सैंडविच हैं ये, इनको तीनों के बीच में बांटना है बराबर बराबर। तो आर्या क्या करेगा, इस सब्जी वाला जो सैंडविच है इसके 3 बराबर भाग करेगा, 1/3, 1/3 और 1/3। 1/3 भाग देगा अभिमन्यु को, 1/3 भाग देगा विवेक को, और 1/3 भाग रखेगा अपने पास, आर्या अपने पास रखेगा। इसी प्रकार जैम वाला जो सैंडविच है उसके भी 3 बराबर भाग करेगा। तो इस प्रकार वह दोनों सैंडविचों को बराबर बराबर तीनों के बीच में बांट देगा। तो इसके बाद है नेक्स्ट, प्रत्येक लड़के को एक सैंडविच का कौन सा भाग मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऊपर आ ही चुका है, प्रत्येक लड़के को प्रत्येक सैंडविच का एक बटा तीन भाग मिलेगा, 1/3 भाग मिलेगा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, कंचन ड्रेसों को रंगती है, उसे 30 ड्रेस रंगनी है, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है, उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है ये हमें बताना है। तो कुल ड्रेस उसके पास हैं, कुल ड्रेस रंगनी है उसको 30, और उसने ड्रेसें रंग ली हैं, जितनी ड्रेस कंचन ने रंग ली हैं 20, कुल 30 ड्रेसें उसको रंगनी है और उसने 20 ड्रेसें रंग ली हैं। तो उसने ड्रेसों की कितनी भिन्न रंग ली है, तुम्हें भिन्न बतानी है कि कितनी भिन्न उसने रंग ली है। तो 20 ड्रेस उसने रंग ली है, तो 20 बटे कुल ड्रेस है 30, तो 20/30 भिन्न रंग ली है, या ये कह सकते हैं कि 2/3 भिन्न उसने रंग ली है। प्रश्न नंबर 8 है, 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इसकी कौन सी भिन्न है। तो सबसे पहले हम 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं लिखेंगे और फिर उनमें से अभाज्य संख्याएं छाटेंगे, और फिर बताएंगे कि अभाज्य संख्याएं हैं वो कुल भिन्नों की, कुल संख्याओं की कौन सी भिन्न है। तो 2 से 12 तक की प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12, ये संख्याएं हो जाएंगी प्राकृत संख्याएं। अब इनमें से हमें छांटनी है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो वे संख्याएं जिनका एक और खुद के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो,
वो संख्याएं जो एक के और दो खुद के अलावा किसी से भाग ना जाएं, उन्हें हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं, जो अपने और एक के अलावा किसी से भाग ना हो। तो वे संख्या हो जाएंगी 2, 3, 5, 7 और 11। 2, 3, 5, 7 और 11 ये वो संख्याएं हैं जो एक के और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं होती, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो भिन्न बतानी हमें, तो हमारी भिन्न हो जाएगी अभाज्य संख्याएं, इन इसकी कौन सी भिन्न है? अभाज्य संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 5/5 कुल कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 5/11 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, 102 से 113 तक की प्राकृत संख्याएं लिखिए, अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? तो हम 102 से लेकर के 113 तक की पहले प्राकृत संख्याएं लिखेंगे। प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 और 113। और ये कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं 102 से लेकर के 113 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये कुल संख्याएं हो जाएंगी 12। अब हमें अभाज्य संख्याएं बताने आएंगी कौन सी भिन्न है, तो इनमें से अभाज्य संख्याएं ढूंढेंगे पहले। तो अभी मैंने बताया था ऊपर वाले प्रश्न में कि अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक के और खुद के अलावा किसी से भाग ना जाए। तीन में से छांटेंगे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। 103 है, इसके बाद 107 है, इसके बाद 109 है, उसके बाद 110 नहीं है, 111 भी नहीं है, और नहीं 113 है, क्योंकि 112 तो दो से भाग होती है। तो अभाज्य संख्या हमारी हो जाएंगी 103, 102 नहीं क्योंकि 102 दो से भाग होती है, 103 है, 104 भी नहीं है, 105 भी नहीं है, 106 भी नहीं है, 107 है, 108 भी नहीं है, फिर 109 है, 110 नहीं है, 111 भी नहीं है, 111 तीन से भाग होती है, 112 भी नहीं है, दो से भाग होगी, 113। तो चार संख्याएं हमारी ऐसी हैं अभाज्य संख्याएं जो ये हो जाएंगी कुल 4। तो हमें बतानी है भिन्न कि अभाज्य संख्याएं इन कुल संख्याओं की कौन सी भिन्न है। तो 4/ कुल संख्याएं हैं 12, 4/12 या कह सकते हैं 1/3, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 1/3 भिन्न हो जाए। प्रश्न नंबर 10, इन वर्तों की कौन सी भिन्नों में x है? यहाँ पर हमें 8 वर्त दे रखे हैं और इन 8 वर्तों में से नीचे के 4 वर्तों के अंदर x लिखा हुआ है, तो हमें ये बताना है कि इन वर्तों की कौन सी भिन्नों में x है। तो हमारी जो भिन्न है वो हो जाएगी 1, 2, 3, 4, यहाँ 4 वर्तों के अंदर x है, तो 4/ कुल हमारे पास वृत्त है 8, तो 4/8 या ये कहेंगे 1/2, 4 से काट देंगे तो 1/2, तो आधे वर्तों के अंदर x लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 11, क्रिस्टन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है, वह तब से सीडी इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है, वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार के रूप में प्राप्त करती है, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। खरीदी गई सीडी हमारे पास है 3, कुल सीडी हैं 8, 5 वो जो उपहार में मिली हैं और 3 सीडी उसने खरीदी हैं, तो कुल सीडी हो जाएंगी 8।
तो यहाँ पर पूछा है इसने कौन सी संख्या की कौन सी भिन्न है उसके द्वारा खरीदी गई सीडी। तो भिन्न हो जाएगी खरीदी गई सीडी की संख्या, वो है 3, कुल सीडी की संख्या की, और कुल सीडी है 8, तो भिन्न हो जाएगी 3/8। 3 है खरीदी गई और 8 है कुल, तो भिन्न हो जाएगी 3/8।